तो दोस्तों यहाँ पे शहर में एक बहुत ही तगड़ा कांड हो चुका है। मतलब यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था वही बदल गया। अभी जो करेंसी थी वो भी चेंज हो गई। हम लोग जो एमरेड लेके आए थे गांव से कि शहर में चल के व्यापार करेंगे, भाई वो सब चौपट हो गया। जब प्राइम मिनिस्टर ही बदल गया तो करेंसी बदल गई। तो एमरेड दे के हमको करेंसी बदलनी पड़ेगी। तो चल के आज बैंक और अपनी करेंसी बदलेंगे और देखते भाई कौन सी नई करेंसी ले आए ये लोग। सो करेंसी चेंज हो गई। तो मैं सुबह सुबह गया था अपनी कार में पेट्रोल भराने। भाई पेट्रोल भराने गया तो बोलता है मुझे पैसे चाहिए। मैंने एमरेड निकाल के दिए तो वो बोलता है मुझे फिर पैसे चाहिए। मैंने फिर निकाल के दिए तो कहता है पैसे चाहिए। मैंने सोचा वो पागल, इसलिए मैं गाड़ी लेके चला आया। बाद में पता चला भाई करेंसी चेंज हो, पागल नहीं है। तो अपना बैंक आ गया भाई, देख रहे हो बैंक के साथ मॉल भी कनेक्टेड है, इसीलिए तो भाई मैं यहाँ आया। इतना बड़ा बैंक सिटी में और कहीं है ही नहीं। अरे अरे सामने देख के चलो, किसी को ठोकना नहीं है, वरना यहाँ के कानून उतने तेज है ना। सुबह एक बंदा सड़क पे खड़ा हंस रहा था, उसको पुलिस वाले पकड़ के लेके गए। ये बंदा कुछ और लेके कुछ और दे रहा है, और ये बंदा, अरे भाई साहब ब्लॉक्स लेके करेंसी दे रहा है। कौन कौन से ब्लॉक्स हैं भाई? पत्थर वत्थर लेके करेंसी दे रहा है, और ये बंदा क्या दे रहा है बस देख लूँ एक बार। यहाँ ये एमरेड लेके दे रहा है, एमरेड, कॉपर, गोल्ड, डायमंड और नेदरराइट भी है। ओ माय गॉड, हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो इस सिटी में हम लोग माइन भी खरीद लेंगे। तो हम लोग माइनिंग करेंगे, कार से पैसे कमाएंगे। अभी हम मुझे लगता है कि लोग बहुत ही महंगा बेच रहे हैं यार डाइनेरो। डाइनेरो पता नहीं कहाँ की करेंसी है भाई। मैं इंडियन हूँ, रुपये में दे दूँ पैसे यार, रुपये की करेंसी क्यों नहीं यहाँ पे। अभी आए हैं तो मॉल भी घूम लेते हैं जल्दी से, देखते हैं कि ब्लॉक्स में क्या क्या है इसके पास। अरे भाई साहब बहुत ही महंगे हैं, चलो छोड़ा और कभी लेंगे इनको। अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर, जो हमने नया घर खरीदा है। हमारे पास 40 एमरेल्ड थे, 20 एमरेल्ड की कार हो गई, 10 एमरेल्ड का अपना घर हो गया। ओ भाई साहब क्या घर है, क्या ही घर है। एक पार्किंग भी दे रखी है, पार्किंग बोलो चाहे बालकनी बोल लो, बाकी ये घर इतना ही बड़ा है। इसमें कमरा कोई नहीं है, कमरा हमको बनाना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा। सीधा एक प्लेन सा घर दे रखा है जो डब्बे के जैसा खाली है। और घर तो बहुत ही शानदार बना है यार, और लाइटें भी लगी हैं। ये लाइटें जलती हैं, इन पर क्लिक, ओ माय गॉड, ये लाइटें जलती बंद होती भी है। मतलब हम इनको जला भी सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं यार। गांव में तो ये सब देखने को ही नहीं मिलता था। और इधर दो मस्त वाले लैंप टांग रखे हैं। खैर मकान मालिक बहुत ही अच्छा था, उसने हमको सजाने के लिए सामान भी दे दिया अपने घर को, वरना हम लोग सोते कहाँ भाई। अब यहाँ पे हम लोग बेड वेड भी खरीदने जाना पड़ता, इतने पैसे नहीं है। अभी हमको एक बिजनेस स्टार्ट करना है। चेस्ट तोड़ के अंदर लेके चलते, फिर देखते इसमें क्या क्या है। मुझे तो वैसे बहुत कुछ दिख रहा है, कुर्सियाँ दिख रही हैं, सोफ़ा दिख रहे हैं, और ये प्लांट्स जैसे कुछ दिख रहे हैं। मुझे बहुत ही कुछ दिख रहा है इसमें यार। तो सबसे पहले एक मेज लगानी होगी इधर, एक मेज लगा देते हैं बिल्कुल सेंटर में खिड़की के। खिड़की वैसे दो ब्लॉक की है, सेंटर में नहीं लग पाएगा। और इसके चारों तरफ भाई चेयर क्या मस्त दे दी यार, $20 में। मैंने ऐसा नहीं सोचा था ऐसा दे देंगे वो लोग, क्या गजब की चेयर दी है। और हमारे पास कुछ और सामान है, सोफ़ा है भाई, सोफ़ा, ये कैसा सोफ़ा है देखते हैं। और भाई अबे सोफ़ा नहीं, अरे ये कैसा सोफ़ा दे दिया भाई। अब $20 के हिसाब से तो सही दिया है, और कुछ नहीं बोल सकते, वरना मकान मालिक वापस से चाय में घी डाल के पिला देगा। बहुत मकान मालिक। ये है सबसे महंगी टेबल जो कि हमको मिली है, और इस टेबल में हम लोग कोई भी फर्नीचर बना सकते हैं। तो फर्नीचर खरीदने से अच्छा हम लोग फर्नीचर खुद क्राफ्ट करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और अभी हमारे पास क्या बचा है, अभी हमारे पास केवल बाहरी सामान बचा है, चलते हैं बाहर फिर लगाते हैं। और भाई अपना घर बिल्कुल डेंट पेंट हो गया है,